वेलकम बैक, क्या हाल है। फाइनली आज हमारे पास है पोको X6 5G। इस फोन में आपको 5100 mAh की बैटरी मिलती है, उसी को चार्ज करने के लिए 67 वॉट का फास्ट चार्जर आपको बॉक्स के अंदर देखने को मिलेगा और फोन की प्राइसिंग है 20,000 रुपए। आज के वीडियो में पोको X6 5G का चार्जिंग टेस्ट करेंगे। इस टाइम पर अगर आप लोग फोन में बैटरी देखें तो 1% बैटरी आपको देखने को मिलती है और इस फोन को पूरा 0 to 100% पूरा फुल चार्ज होने में कितना टाइम लगता है वो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा और इस फोन का बैटरी बैकअप कितना है वो भी आज की वीडियो में आपको पता चल जाएगा। तो वीडियो तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी, बट आपका एक काम अभी तक रह गया, अगर आपने चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को भी लाइक करके शेयर भी कर देना। तो चलो अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फाइनली सब कुछ आ गया, स्टॉप वॉच भी आ गई और मैं यहां पर स्टॉप वॉच को स्टार्ट करता हूं और फोन को भी चार्जिंग के ऊपर लगा देता हूं और अगर आप लोग देखें तो 1% बैटरी है और टेम्परेचर की बात करें तो यहां पर चार्जिंग को स्टार्ट करते ही जो फोन का टेम्परेचर है वो आपको 20 डिग्री देखने को मिलेगा और जो चार्जर का टेम्परेचर है वो आपको 16 डिग्री मिलता है। आजकल ठंड का मौसम है तो टेम्परेचर इतना ज्यादा हीट नहीं होता। बाकी अब आपको मिलता हूं 5 मिनट के बाद और देखते हैं कि 5 मिनट चार्ज करने के बाद पोको X6 5G के अंदर कितनी बैटरी जो है वो चार्ज हो जाएगी। फाइनली फोन को चार्जिंग पर लगाए हुए 5 मिनट हो चुके हैं और 5 मिनट चार्ज करने के बाद बैटरी की बात करें तो 20% बैटरी जो है फोन के अंदर चार्ज हो चुकी है। वेल, मैं आपको सेटिंग के अंदर इसका जो बैटरी का सेक्शन है ये भी चेक करवाऊं तो यहां पर भी आप लोगों को जो 21% बैटरी है वो देखने को मिल जाती है और हीटिंग की बात करें तो 5 मिनट फोन को चार्ज करने के फोन का जो टेम्परेचर है वो 28 डिग्री आपको देखने को मिलता है और जो चार्जर का टेम्परेचर है वो आपको 20 डिग्री देखने को मिलेगा। बाकी अब आपको मिलता हूं 10 मिनट के बाद और देखते हैं कि 10 मिनट इस फोन को चार्ज करने के बाद पोको X6 5G में कितनी बैटरी चार्ज हो जाएगी। फाइनली फोन को चार्जिंग पर लगाए हुए 10 मिनट हो चुके हैं और 10 मिनट चार्ज करने के बाद बैटरी की बात करें तो फोन में 36% बैटरी जो वो चार्ज हो चुकी है। मैं सेटिंग के अंदर इसका बैटरी का सेक्शन आपको बताऊं तो यहां पर भी आपको 36% बैटरी जो है वो देखने को मिलती है। बाकी टेम्परेचर एक बार चेक कर लें कि 10 मिनट फोन को चार्ज करने के बाद फोन का टेम्परेचर 30 डिग्री हो चुका है और चार्जर के टेम्परेचर की बात करें तो 24 डिग्री आपको जो चार्जर का टेम्परेचर है वो देखने को मिलता है। बाकी अब आपको मिलता हूं 20 मिनट के बाद और देखते हैं कि 20 मिनट पोको X6 5G को चार्ज करने के बाद इस फोन में कितनी बैटरी चार्ज हो जाएगी। फाइनली फोन को चार्जिंग पर लगाए हुए 20 मिनट हो चुके हैं और 20 मिनट चार्ज करने के बाद फोन की बैटरी की बात करें तो 62% बैटरी फोन में चार्ज हो चुकी है। मैं सेटिंग के अंदर आपको बैटरी का सेक्शन बताऊं तो यहां पर भी आपको 62% बैटरी देखने को मिलती है। बाकी 20 मिनट चार्ज करने के बाद टेम्परेचर की बात करें तो फोन का टेम्परेचर है वो आप लोगों को 31 डिग्री के आसपास देखने को मिलता है और जो चार्जर का टेम्परेचर है वो आप लोगों को 29 डिग्री के आसपास देखने को मिलता है। तो धीरे धीरे फोन भी हीट हो रहा है और जो धीरे धीरे चार्जर है वो भी हीट हो रहा है। बाकी आपको मिलता हूं आधे घंटे के बाद और देखते हैं कि आधा घंटा पोको X6 5G को चार्ज करने के बाद इस फोन में कितनी बैटरी चार्ज हो जाएगी। फाइनली फोन को चार्जिंग पर लगाए हुए 30 मिनट हो चुके हैं और आधा घंटा फोन को चार्ज करने के बाद बैटरी की बात करें तो 84% बैटरी जो है फोन में चार्ज हो चुकी है। मैं सेटिंग के अंदर आपको बैटरी का सेक्शन चेक करवाऊं तो यहां पर भी आपको 84% बैटरी देखने को मिलती है और आधा घंटा फोन को चार्ज करने के बाद टेम्परेचर की बात करें तो फोन का टेम्परेचर 31 डिग्री है और चार्जर के टेम्परेचर की बात करें तो 27 डिग्री आपको चार्जर का टेम्परेचर मिलेगा। तो फोन इतना ज्यादा हीट नहीं किया लेकिन आधा घंटा चार्ज करने के बाद 85% बैटरी जो है फोन में चार्ज हो चुकी है। बाकी अब आपको मिलता हूं 40 मिनट के बाद और देखते हैं कि 40 मिनट पोको X6 5G को चार्ज करने के बाद इस फोन में कितनी बैटरी चार्ज हो जाएगी। फाइनली फोन को चार्जिंग पर लगाए हुए 40 मिनट हो चुके हैं और 40 मिनट चार्ज करने के बाद फोन की बैटरी की बात करें तो 97% बैटरी जो है फोन में चार्ज हो चुकी है। सेटिंग के अंदर आपको बैटरी का सेक्शन बताऊं तो यहां पर भी आपको 97% बैटरी देखने को मिलती है। बाकी 40 मिनट फोन को चार्ज करने के बाद टेम्परेचर फोन का 27 डिग्री और चार्जर के टेम्परेचर की बात करें तो ये आपको 30 डिग्री देखने को मिलता है। बाकी अब देखते हैं कि पोको X6 5G को 100% पूरा फुल चार्ज होने में कितना टाइम लगता है। फाइनली इस फोन को चार्जिंग पर लगाए हुए 41 मिनट और 42 सेकंड हो चुके हैं और बैटरी की बात करें तो 100% बैटरी जो है 41 मिनट के अंदर पोको X6 5G के अंदर चार्ज हो चुकी है। वेल, मैं आपको सेटिंग के अंदर इसका जो बैटरी का सेक्शन है ये भी चेक करवाऊं तो यहां पर भी आप लोगों को जो 100% बैटरी है वो देखने को मिल जाती है। तो पोको X6 5G को रियल प्रैक्टिकल लाइफ में 0 to 100% पूरा फुल चार्ज करने में आपके 41 मिनट लग जाएंगे। बाकी ये जो पूरा टेस्ट था रियल प्रैक्टिकल लाइफ में टेस्ट, मेरे रूम में ना ही कोई एसी लगा है ना ही कोई ब्लोअर लगा है। ये एक नॉर्मल बंदा जब अपने फोन को चार्जिंग पर लगाता है तो उसको भाई 41 मिनट जो है पोको X6 5G को चार्ज करने में लग जाएंगे। बाकी इतना इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब करके इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो। बाकी और वीडियोस भी आपको पोको X6 5G की देखने को मिल जाएंगे चैनल के ऊपर, तो सब्सक्राइब कर लेना।
लेना, बाकी हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर।